साथियों नमस्कार। आज मैं आपको सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में बताऊंगी। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं, हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि सत्य ईश्वर है, ईश्वर ही शिव है और शिव ही सुंदर है, सुनते चले आ रहे हैं। पर बहुत सारे लोग इसका भावार्थ नहीं जानते, इसका मीनिंग क्या है वो नहीं जानते। तो आज मैं कोशिश करूंगी, एक प्रयास करूंगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में या हमारे जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, क्या सत्य, क्या शिव है और क्या सुंदर है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। सत्य की बात करें तो सत्यम क्या है? सत्यम यानी ईश्वर, यानी जिसके परे और कुछ नहीं है, यानी सत्य वो जो ईश्वर के समान है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। हम लोग दौड़ भाग में लगे हैं, पैसों के लिए परेशान रहते हैं, रिश्तों में परेशान रहते हैं, हर चीज में उलझे हुए रहते हैं, जबकि जीवन तो बहुत छोटा सा मिला है हमको। लेकिन हमने सत्य को कभी पहचाना ही नहीं कि इस जीवन को जीने हम इसलिए आए हैं कि उस मकसद को पूरा कर सकें, उस लाइफ पर्पस को पूरा कर सकें जो वास्तव में सत्य है, जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है। उसके लिए हमको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप सत्य को देख पाए। हम सत्य को नहीं देख पाते क्योंकि पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा हुआ है, झूठ का पर्दा, छल कपट का पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा रहता है, इसीलिए हम सत्य नहीं देख पाते। सत्य अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सत्य वही है जिसका आभास मन को होता है। क्यों हम पैसों के लिए, रिश्तों के लिए लड़ाई झगड़े करें, क्यों हम एक दूसरे के लिए मार काट कर रहे हैं, क्यों हम इन सारी चीजों में पड़े, जबकि ये तो नश्वर है, ये तो सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है। तो सत्य क्या है? सत्य सिर्फ इतना सा है कि एक लाइफ के पर्पस को, जीवन के एक मकसद को पूरा हम करने यहाँ पर आए हैं। अगर उसको पूरा करके जाते हैं तो शायद हम अपना वो कर्म कर गए जिसके लिए हमें यहाँ भेजा गया है, और अगर हम जीवन की उलझनों में ही उलझे रह गए तो फिर शायद हम सत्य क्या है उसको कभी ना पहचान सके। सत्य ईश्वर है। ईश्वर को भले ही आप माने या ना माने, लेकिन इतना तो मान लीजिए कि हम यहाँ आए हैं तो ये पूरी तरह सत्य है। किसी ना किसी लाइफ पर्पस के लिए हम जरूर हैं। हमारा जीवन किस मकसद के लिए चल रहा है ये सत्य है। उस मकसद को पहचानना और उसके अनुसार सत्कर्म करना यही सत्य है। यही सत्य है कि जो आपने सत्कर्म किए हैं वही आपके साथ जाएंगे। बाकी रुपया, धन दौलत जो हम छल कपट से भी कमा रहे हैं, दूसरे का गला काट कर भी कमा रहे हैं, धोखा देकर भी कमा रहे हैं, वो सत्य नहीं है। तो सत्य को पहचानिए। सत्य यानी सत्कर्म, जो सत्कर्म है वही आपके साथ जाने वाले हैं। तो साथियों ये हुआ सत्यम। अब शिवम कौन है? क्या शिवम भगवान शिव है? भगवान शिव तो शिव है, पर हम उनको शिवम क्यों बोलते हैं? यानी शिवम यानी वो कोई भी व्यक्ति जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, यानी अपना सब कुछ जो न्यौछावर कर सके वो शिवम है। तो शिव क्यों शिवम है? क्योंकि अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले शिव हैं। तो शिवम हम भी बन सकते हैं। क्या हम में वो क्वालिटी नहीं है कि हम शिवम बन सके? हम भी बन सकते हैं। जितना हमारे पास है, पहले हम अपनी जरूरतें देखें, लेकिन अगर अपनी जरूरतों के बाद हमारे पास कुछ बचता है तो क्यों ना हम दया, धर्म, दान, पुण्य सब कुछ करें। हम अपना सब कुछ ना अगर न्यौछावर कर पाए तो कम से कम उतना तो जरूर करें कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मैं देखती हूँ स्ट्रीट में जानवर भूखे रहते हैं, जब हम अपने लिए 10 रोटियां बना सकते हैं तो 1-2 रोटियां उनके लिए क्यों नहीं बना सकते। इस तरह की प्रेम, दया और करुणा की भावना जब मन में आए तभी हमारा पहला कदम शिवम की तरफ बढ़ता है। शिवम यानी वो सोच, वो व्यक्ति जो अपना सब कुछ निछावर कर दे किसी दूसरे की सुख के लिए, खुशी के लिए। तो साथियों ये होता है शिवम। शिवम का असली मीनिंग है वो जो निछावर करने वाला हो, इसीलिए शिव शिवम है। सुंदरम, शिव ही सुंदर है। सुंदरम शिव ने एक बहुत ही प्यारी प्रकृति बनाकर हमको दी। ईश्वर ने एक बहुत ही सुंदर संसार हमको, यूनिवर्स बनाकर हमको दिया, जिसमें सारी सुख सुविधाएं लगी हुई हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं।
पेड़ों को देखिए तो इतने प्यारे प्यारे सुंदर फल लगे हुए हैं, खूबसूरती के लिए फूल आपको दिए हुए, खाने के लिए सब्जियां दी हुई हैं, और क्या नहीं आपको सुख सुविधाएं दी हुई हैं। आप फलों से लदे हुए पेड़ को देखिए, उससे सुंदर और क्या हो सकता है। अगर आप दिल से सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि यही सुंदर है। तो प्रकृति ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाकर हमको दी, लेकिन उस प्रकृति को सुंदर बनाए रखना हमारा काम है। सुंदरम क्या है? वो जो सुंदर है वो हमेशा सुंदर बना रहे, हम उसको सुंदर बनाए रखें। हमको सुंदर बनाए रखने का एक प्रयास करना चाहिए। जो भी चीज ईश्वर ने हमको दी है उसको संभालने का, उसके रख रखाव का काम हमारे पास ही है। ईश्वर ने हमको नदियां दी, कहते हैं कि कौन सी नदी कहां से आई है। ईश्वर से हर नदी किसी न किसी देवी देवता से जुड़ी हुई है, उसका उद्गम, उसका स्रोत कहीं ना कहीं हमारे, अगर हम वैदिक धर्म में भी देखें तो कहीं ना कहीं से ईश्वर से ही जुड़ी हुई है नदियां भी सारी। तो उन्होंने तो हमको दे दिया, लेकिन उनको साफ सुथरा अच्छा रखने का काम हमारा है, तभी तो सुंदरम होगा। तो साथियों, ये है आसान सा भावार्थ सत्यम शिवम सुंदरम का, यानी कि जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। तो उस सत्य को पहचानिए, शिवम बनने की कोशिश करिए, और इस संसार को सुंदरम बनाने का प्रयास अगर हम सब मिलकर करें तो सत्यम शिवम और सुंदरम का असली मीनिंग, असली भावार्थ या असली चरितार्थ हम लोग कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।